अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है ये डो स्ट्री की पफ पेस्ट्री। मुझे जो है कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं इस पफ पेस्ट्री का क्या बनाऊं। मुझे मीठा खाने का दिल भी नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कुछ सॉल्टी बनाऊं, तो फिर मुझे पिज़्ज़ा पफ का ख्याल आया। अच्छा जी, तो इसमें टोटल 10 शीट्स थी और ये मुझे 250 रुपीज़ का पड़ा था और ये मुझे इम्तियाज़ सुपर मार्केट से मिला था। जी, पिज़्ज़ा पफ की मेकिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, जो इसकी पैकिंग थी ना वो मुझे काफ़ी प्रीमियम लगी, बहुत अच्छी थी। मतलब ये नहीं था कि जो हम जो डो उठा रहे हैं वो पैकेट पे लगा, वो अच्छे से पैक्ड थी और जो इसकी डो थी, जो शीट्स थी, वो भी अच्छी खासी थिक थी। मतलब ये नहीं था कि अगर आप मैं उसको अलग करी तो इतनी पतली है कि टूट जाए, अच्छी खासी थी। आप ये देख सकते हैं अच्छी खासी सॉलिड है और इसमें 10 शीट्स थी। इसके बाद जो मैंने पिज़्ज़ा के लिए आज जो चीज़ लिया था वो मैंने एडम्स का पिज़्ज़ा चीज़ लिया था। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा सा चीज़पोल आता है इसमें से। तो अगर आप लोग कभी पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई करें तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने पिज़्ज़ा को एक कपकेक का शेप देने के लिए कपकेक मोल्ड यूज़ किया था। इसको इस डो को इस शीट में फिट करना पहले शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने डो फ्रीज़ की हुई थी तो वो बहुत थोड़ी सी हार्ड हुई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए उसको बाहर रखी तो वो इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि मैं अगर उसको कोई शेप दे रही थी तो वो उस शेप में जा रहा था। तो मैंने इसको ग्रीस करने के बाद डो जो है वो मैंने सेट किया मोल्ड पे, फिर मैंने डाली इसमें पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैंने शंग्रीला की यूज़ की थी, उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। फिर मैंने इसमें डाली थोड़ी सी पिज़्ज़ा चीज़, क्योंकि वो नीचे से अगर हम सिर्फ सॉस रख दें तो फिर वो ज़्यादा खट्टा हो जाता है, मज़ा नहीं आता। तो जो चीज़ होती है वो उसकी खटास को बैलेंस कर देती है। फिर मैंने इसमें ऐड किए थे टिक्का फ्लेवर चिकन चंक्स, जो मैंने घर पे खुद बनाए थे। अगर आप लोग को उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर नहीं भी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट ज़रूर दिएगा, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैंने इसकी टॉपिंग्स में ऑलिव्स लिए थे, कैप्सिकम लिए थी जो होती है शिमला मिर्च, और मैंने लिए थे प्याज। उसको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर फिर से मोज़रेला चीज़, सॉरी पिज़्ज़ा चीज़ डाली। फिर मैंने उस पर ऑरेगानो डाला था, उससे थोड़ा पिज़्ज़ा का जैसा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू आ जाती है। सारी फिलिंग्स कंप्लीट करने के बाद मैंने इसे एग वॉश किया ताकि जो इसकी डो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। जैसे कि हम बाहर पैटीज़ वगैरह खाते हैं, उसकी डो जो है वो बहुत क्रिस्पी होती है, मज़ा आता है खाने में। तो मैंने उसके लिए इस तरह जो है वो एग वॉश किया ताकि ये भी क्रिस्पी हो जाए। अच्छा जी, बेकिंग करने से पहले हमें जो अपना ओवन का टेम्परेचर है वो 180 पे गर्म करना है। पहले ओवन गर्म हो जाए, टेम्परेचर 180 तक आ जाए, फिर उसके बाद जो है हमने अपनी जो ट्रे है वो ओवन में डालनी है। इससे बेकिंग भी जल्दी हो जाती है और जो क्रिस्पी होती है जो ऊपर की इसकी लेयर, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है टाइम से।
अच्छा जी, ये हो गया ओवन हमारा बेकिंग के लिए रेडी। हमने इसमें ट्रे डाल दी है, इसको 15 मिनट्स तक बेक करके देखेंगे। अगर ये क्रिस्पी हो गए होंगे तो हम इसे बाहर निकाल के आपको फिर मैं इसका दिखाऊंगी कि ये किस तरह दिखते हैं। मैं करीब से दिखा देती हूँ आपको, ये अभी इस तरीके से दिख रहे हैं और बाद में किस तरीके से नज़र आएंगे आपको। इन पफ पेस्ट्रीज़ ने मैक्सिमम 20 मिनट्स लिए मेरे बेक होने के लिए, ऊपर जो क्रिस्पीनेस है वो आने के लिए लगभग मुझे मेरे ख्याल से 20 मिनट्स लगे जितना मैं टाइम नोट कर रही थी। ये इस तरह की इनकी शक्ल निकल आई है। मोल्ड जो थी बड़ी जी सख्त किस्म की गर्म थी, तो मैंने सोचा एक जगह पे रख के फिर मैं आप लोग को इसका रिव्यू दूँ कि इसकी पफ कैसी है। जो पिज्ज़ा हमने बनाया था, बेक किया था, उसको पिज्ज़ा फ्लेवर दिया था, वो कैसा आया है ये देखें जी। इसकी बहुत टेम्पटिंग, बहुत टेस्टी लग रहा था देखने में, तो अब ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा टेस्ट करता है। वैसे जी सच्ची बताऊं तो मुझे लगा था कि शायद ये मोल्ड में चिपक जाएगा, जो इसकी क्रिस्प है वो जो है वो मोल्ड को पकड़ लेगी, निकलेगी नहीं, पर ये बहुत आसानी से निकल गया था। और ये आप देख सकते हैं इसकी एक कपकेक की तरह जो है वो शेप आ गई है। अब इसको हम ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। मैंने सोचा था कि इसका चीज़ पुल आएगा, पर छुरी से जो हमने छुरी से काटा था उससे उसका चीज़ पुल नहीं आया। चीज़ पुल आने की वजह से चीज़ जो गर्म थी, इस वजह से मुझे इसको फोक में उठाने में बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी, पर बहुत गर्म था, इससे धुआं निकल रहा था, तो मुझे डर था कि मैं टेस्ट करूँ तो मेरी ज़बान ना जल जाए। पर मैंने फूक फूक मार के इसको थोड़ी सी ठंडा करके फिर मैंने जब इसको टेस्ट किया, यकीन माने इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था, जो हम नॉर्मल पिज़्ज़ा बेस यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ट्राई करिएगा। अच्छा जी, माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।